खूबसूरत बात बताती हूँ, मैंने ना अपने स्कूल के जूते पहन रखे हैं। दिख रहे? दिखे? दिखे? हाँ। This story is brought to you by tapeatale.com. Love, attention, care. ये आखिर किसको नहीं चाहिए होता? लेकिन क्या उस चाहत में आपने कोई ऐसी चीज की है जिसके कारण आप दूसरों से पहले खुद की नजरों में गिर गए हो? मैंने की है, मैंने की है। मुझे ना अटेंशन के लिए झूठ बोलने की आदत है। अक्सर बच्चे स्कूल में पेट दर्द का बहाना करके स्किप कर देते हैं क्लासेस, लेकिन मैं इस रेस में थोड़ी आगे निकली। बात है 2011 की। मेरी एक कजन पैदा हुई थी और जब हम उसके नामकरण के लिए नानी के घर गए तो सब उसी की बात कर रहे थे। मैंने सुबह सबको बोला भी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए रात को जब मैं सोने गई तो मैं जोर जोर से रोने लग गई। जब सबने पूछा कि क्या हुआ है तो मैंने कह दिया, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। दर्द थोड़ा सा था लेकिन ओवर एक्टिंग। सब घबरा गए और वो मुझे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेके गए रात के 1 बजे। वहां पर जब डॉक्टर ने मुझे लेटा के पूछा कि पेट में कहाँ दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, तब भी मैंने सच नहीं बताया। उन्होंने कहा ज्यादा दर्द हो रहा है तो सुई लगानी पड़ेगी, तब भी मैंने सच नहीं बोला, ओवर एक्टिंग कंटिन्यू रखी। जब मैं कड़वी दवाई ले रही थी ना तो मेरे पास में मेरी उम्र का एक बच्चा था जो वाकई बीमार था और उसको देखकर ना मुझे गिल्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सब लोग मेरी टेंशन ले रहे थे यार, सब लोग मेरी फिक्र कर रहे थे, सब लोग मुझे प्यार कर रहे थे। अब अगर ये कोई बचपन का किस्सा होता तो ठीक है, लेकिन जब बचपन के झूठ पकड़े नहीं जाते ना तो बचपन की आदतें बन जाती हैं, और जब आदतें सही वक्त पर बदली नहीं जाती तो वो जरूरतें बन जाती हैं। कभी पेट में दर्द, कभी कान में दर्द, मेरी बॉडी में हर जगह दर्द हुआ जब जब मुझे अटेंशन नहीं मिला। और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मेरी लाइफ में एक पैटर्न बन गया है, अंटिल समथिंग हैपेंड। अभी 1 साल पहले की बात है, मैं गोवा में एक हॉस्टल में एक इंटर्नशिप करने के लिए गई थी। वहाँ पे ना मेरा एक दोस्त बना, उसका नाम था सार्थक। मुझे कभी भी एक अनजान शहर में अकेला नहीं लगा क्योंकि वो हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहता था, मेरे लिए रहता था। उसके साथ खाना खाना, उसको चीख चीख कर गाने सुनाना, उसके साथ रो रो के अपने ब्रेकअप की रैंट करना, सार्थक वॉज माई बडी। अंटिल वन डे व्हेन अ गर्ल केम इनटू आवर लाइव्स, और उसके आते ही ना सार्थक का सारा टेंशन उसके ऊपर चला गया। पहले दिन तो मैंने उसे बात नहीं की, दूसरे दिन मैं गायब हो गई, और जब तीसरे दिन भी बात नहीं बनी ना तो मैंने सबको कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है। इतना अच्छे से एक्टिंग किया मैंने कि मैनिफेस्ट करते करते मुझे एक उल्टी भी हो गई। मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर के जाना है, मेरे को बहुत सारी उल्टियां और लूज मोशन हो रहे हैं, और मैंने कहा तू चल। उसने कहा मुझे काम है, मैं नहीं आ सकूंगा, तो मैं अकेली चली गई। वहाँ पे डॉक्टर से उल्टी और लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में झूठ बोला, और जब डॉक्टर ने कहा कि ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा तो मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे लगा अब तो सार्थक दौड़ा दौड़ा मेरे पास आ जाएगा। मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसने मना कर दिया। उस दिन जब डॉक्टर ने पूछा कि सलाइन किस हाथ पे लगाऊं तो मैं मना कर सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। ग्लूकोज की बूंदे जब धीरे धीरे मेरे अंदर जा रही थी ना, मेरा गिल्ट वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। यार मैं ऐसा क्यों करती हूँ खुद के साथ, यार मैंने पहले भी किया है। क्यों करती हूँ मैं खुद को क्यों नुकसान पहुंचा रही हूँ? When I was coming back from the hospital to the hostel driving alone, I realized that self-harm is problematic and I needed help. मैंने पहुंचते ही सबसे पहले एक थेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट बुक किया और उनके सामने सब सच बता दिया।
मुझे ना बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैं खुद के साथ ऐसा करती हूँ अटेंशन के लिए. क्या मैं अकेली नहीं रह सकती? मुझे अटेंशन क्यों चाहिए दूसरों का? मैं why am I doing this to myself? मैं खुद को पसंद नहीं कर पा रही हूँ यार. मैं खुद की नजरों में नीचे गिर गई हूँ. मेरी सारी बातें सुनकर उन्होंने सबसे पहले तो मुझे ये समझाया कि लव केयर अटेंशन किसी और से मांगना बुरी बात नहीं, उसकी उम्मीद करना बुरा नहीं. इट्स ह्यूमन, हम सबको चाहिए होता है. लेकिन अगर उस चीज में आप खुद को हार्म कर रहे हो या किसी और को हार्म कर रहे हो तो वो एक बीमारी भी हो सकती है. और अक्सर हम बीमार को कोसते हैं, बीमारी को डिसमिस कर देते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर वो बीमारी है क्यों. क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि हम क्यों हैं जैसे हम हैं तो शायद उसे सुलझाना आसान हो जाएगा. उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अटेंशन सीकर पैदा थोड़ी हुई थी, कोई भी नहीं होता. कुछ तो हुआ होगा ना मेरे साथ जिसकी वजह से मैं वैसी बन गई. और जब हमने साथ में मेरे बचपन में झांका तो हमें एक रात याद आई. मैं ना सिर्फ 8 साल की थी, और जब पता चला कि सुबह से घर में कोई दिक्कत चल रही है तो मैं घबरा गई थी. मैं अपने रूम में जाकर छिप कर बैठ गई थी. और जब चीखने की आवाज़ आई ना उस रात, तो मैं दौड़ कर नीचे गई और देखा मेरी मम्मी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी. सब कह रहे थे कि उन्होंने कुछ खा लिया. जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 5 मिनट लेट हो जाते ना तो शायद. पता है उस दिन वो 8 साल की बच्ची ना अपनी माँ से गुस्सा थी. उसे ऐसा लग रहा था कि वो उससे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि ऐसे कौन सी माँ अपनी बेटी को छोड़ के जाने की डिसीजन ले लेती है, कौन करता है ऐसा. मैंने खुद को समझाया कि मेरी मम्मी के लिए मैं शायद इम्पोर्टेंट नहीं हूँ. पर यार वक्त गुजर गया था, बात गुजर गई थी, तो ये तो मैं भूल गई थी ना, ये तो बचपन की बात है. लेकिन नहीं, उस दिन जो मैंने डर महसूस किया था ना, वो अब भी मुझ में जिंदा था. और जब जब उस 8 साल की बच्ची को ऐसा लगा कि शी इज़ लूजिंग समवन शी लव्स, उसने वही किया जो उस 8 साल की बच्ची को करना आता था. जोर जोर से रोकर, जिद कर झूठ बोलकर अपनों की गोदी में जाना. सबसे पहले तो ये बात जानकर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे खुद से नफरत करना बंद करना, क्योंकि मैं ऐसी पैदा नहीं हुई थी. मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर मैं ही खुद को नहीं अपनाऊंगी तो कैसे खुद को ठीक कर पाऊंगी. किसी को बदलने के लिए किसी को समझने की जरूरत होती है, और अभी मुझे खुद को समझना था. मैं सीधे अपनी मम्मी के पास गई और उन्हें बताया कि उस रात मैं बहुत डर गई थी. तब से अब तक मुझे लगता है कि जब भी मैं किसी को प्यार करूंगी ना, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा. तब से अब तक मुझे गुस्सा आता है इस बात पर कि क्यों मेरी खुद की माँ मुझसे प्यार नहीं कर सकती. मुझे गुस्सा आता है इस बात से आपने ऐसा क्यों किया था. मेरी मम्मी ने ना बहुत प्यार से मेरी सारी बातें सुनी और फिर मुझे कसकर गले लगाया और रोते रोते कहा कि बेटा उस दिन आई फेल्ड एज एन इंडिविजुअल, बट यू नो वाई आई केम बैक, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू बी योर मदर. और तब से अब तक मैंने तेरी माँ बनने की कोशिश की और मैं करती आ रही हूँ. मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ. मैंने उस दिन उनकी आंखों में वो प्यार देखा, उनकी बातों में वो भरोसा पाया जो मैं 8 साल की उम्र से ढूंढ रही थी यार. आई नो आई डिड समथिंग वेरी रॉन्ग, पर पता है गलतियां हमें गलत नहीं बनाती अगर हम उन्हें सही तरीके से समझने की कोशिश कर दें तो शायद हम खुद को बदल सकते हैं. हम अपनी फीलिंग्स को डिसमिस नहीं कर सकते, हम अपनी फीलिंग्स को अवॉइड नहीं कर सकते,
हम इन सारी बातों को भूल नहीं सकते, सिर्फ एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है और अपनाने की जरूरत होती है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट फील गिल्टी एनीमोर। सच कहूं तो लव, अटेंशन और केयर मुझे अब भी चाहिए और अब हक है मेरा तो मांग लेती हूं, लेकिन अब उसके लिए मुझे पेट में दर्द नहीं होता। और पता है, शुरुआत में मैंने आपको कहा था ना कि मैं बचपन में ही रह गई हूँ, शायद मैं सच में बचपन में रह गई थी, लेकिन आज इन जूतों के साथ उधर से निकलना चाहती हूँ।